सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। पीछे अपने कक्षा 6 हिंदी विषय जो अपना है, आज अपने विशेषण सर्वनाम के बाद विशेषण जो अपने व्याकरण का तीसरा बिंदु है, तो तीसरे इसी कौटिक विशेषण पर अपने थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। परिभाषा देखिए, सबसे पहले विशेषण की परिभाषा। वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले देखिए, ये विशेषता है जैसे काला, यानी कि अपने कह सकते हैं जैसे काला घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता क्या है, वो काला है। लंबा आदमी, आदमी है वो लंबा है, वो उसकी विशेषता है। आदमी है वो संज्ञा मान, तो संज्ञा की आदमी की विशेषता है लंबा। उसी प्रकार भारी सुंदर आदि विशेषण शब्द हमेशा विकारी होते हैं। विकारी का मतलब इसमें बदलाव आ जाता है, त्रुटि हो जाती है, परिवर्तन होता है, तो विशेषण हमेशा विकारी शब्द होते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि मुख्यतः 5 भेद होते हैं विशेषण के। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा व्यक्तिवाचक विशेषण और पांचवा अंतिम सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से विशेषण के 5 भेद होते हैं। 5 भेदों की हमें गणना करनी है, तो गुण के आधार पर, परिमाण के आधार पर, संख्या के आधार पर और व्यक्ति विशेष के आधार पर और सार्वनाम विशेषण के आधार पर। तो विशेषण के 5 भेदों में से पहला भेद देखेंगे गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या है, किस प्रकार के शब्द जो प्रयोग में लिए जाते हैं हम अपने देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले गुणवाचक की परिभाषा। जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम के गुणों को प्रकट करते हैं, किन को प्रकट करते हैं, गुणों को प्रकट करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, मोटा, काला, पहाड़ी, नया आदि। तो ये सारे गुण बता रहे हैं कि विद्यालय बहुत अच्छा है, मोटा आदमी है, घोड़ा है वो काला है, पहाड़ी खरगोश है, नया अखबार है, पत्रिका है। तो ये सारी की सारी विशेषता इन शब्दों के द्वारा गुण के आधार पर होती है, वो गुणवाचक विशेषण है। दूसरा देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसकी परिभाषा देखेंगे कि जो विशेषण शब्द विशेष्य के परिमाण व मात्रा का बोध करवाए उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि एक तो परिमाण का और मात्रा का बोध कराए। जैसे अपने कहते हैं कि 2 लीटर दूध चाहिए, थोड़ा पानी दे दो, 5 किलो चीनी दे दो, या 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो इस प्रकार के ये विशेषण शब्द जो परिमाण और मात्रा के आधार पर जिनकी गणना होती है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
तीसरा बिंदु संख्यावाचक विशेषण, ये विशेषण का जो तीसरा बिंदु है जो संख्या के आधार पर होता है। तो देखिए जो विशेषण विशेष की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध करवाए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि काउंटिंग के आधार पर, गणना के आधार पर उसकी संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर चार आदमी, कई लोग, चौगुना किराया या तिगुना फायदा या दोगुना फायदा या हजारों की भीड़, सैकड़ों की उपस्थिति, ये सारे के सारे संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। तो आप लोगों को ये विशेषण के तीन बिंदुओं को, ये तीन वेद हैं, तीन वेदों की परिभाषा, तीन वेदों के उदाहरण, ये आप लोगों को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में करने हैं। बाकी इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको करवा देंगे। धन्यवाद।